लालची लूमड़ी की कहानी में ये है कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक लूमड़ी रहा करती थी। गर्मियों के दिन थे और वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी। बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लूमड़ी को एक खरगोश मिला, लेकिन खरगोश मिलने के बाद लूमड़ी ने खरगोश को खाने की बजाय उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह इतना छोटा था कि उसे खाने से लूमड़ी का पेट कहाँ भरने वाला था। इसके बाद लूमड़ी आगे बढ़ी, फिर से जंगल में भटकने लगी। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद भूखी लूमड़ी को एक हिरण दिखा। हिरण को देखते ही लूमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लूमड़ी हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। लूमड़ी ने अपनी पूरी ताकत से हिरण का पीछा किया, पर हिरण लूमड़ी की पकड़ में नहीं आया। अब लूमड़ी खाने की तलाश में बहुत ही थक चुकी थी। जब लूमड़ी के साथ हिरण भी नहीं लगा तो लूमड़ी सोचने लगी कि इससे अच्छा तो वह छोटे से खरगोश को ही खा लेती जिसको उसने छोड़ा था। कुछ देर आराम करने के बाद लूमड़ी खरगोश को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी। जंगल में खरगोश को ढूंढते हुए लूमड़ी वहां पहुंची जहां उसने खरगोश को देखा था, लेकिन लूमड़ी को वहां खरगोश नहीं दिखा। थक हार कर लूमड़ी को अपनी गुफा में लौटना पड़ा, जिसके बाद कई दिनों तक भूखी लूमड़ी अपनी गुफा में भूखा रहना पड़ा। और बहुत दिन बीत जाने के बाद लूमड़ी को खाना मिला।